हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस कला। प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, ये 1 मीटर कपड़ा है जिसे मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो इसका यहाँ से नाप है 30 इंचेस और यहाँ से मैं 15 इंचेस पे ऊपर की ओर मार्क कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, वहाँ से हमें कट कर लेना है और ऊपर की साइड जो है वो बन साइड है। तो ऐसे हमारे 2 पार्ट कट हो जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे 2 पार्ट कट हो गए। अब नीचे की ओर से हमें इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब हम ऊपर की ओर इस तरीके से बॉक्स प्लेट लेके स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमने उसी तरीके से ले लिया है। अब दोनों साइड हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें इस तरीके का कपड़ा लेना है, इसी के नाप से लेना है और मार्जिन का थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो अब इसका नाप यहाँ से है 7 इंचेस और यहाँ से इसका नाप है 27 इंचेस। अब हमें इसे ऐसे स्टिच करके जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया। इसे ऐसे फोल्ड करना है और हमें अब इलास्टिक को लेना है। तो इलास्टिक का नाप है 19 इंचेस। इलास्टिक को ऐसे जोड़ के स्टिच कर लेना है। अब देखिए, हमें इसे सेंटर में इलास्टिक को ऐसे रखना है और फिर हमें यहाँ पे स्टिच करना है पूरे राउंड में। तो देखिए, ऐसे रख के हमें यहाँ पे स्टिच करना है और इलास्टिक को खींचते हुए हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया। अब इलास्टिक फोल्ड ना हो जाए इसलिए हम सेंटर में भी स्टिच कर लेंगे और ऐसे हमें खींचते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए, हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हमें जो नीचे का पार्ट था उसे लेना है और इस तरीके से अंदर रखना है और फिर पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। तो देखिए, प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी स्कर्ट रेडी हो गई। सेकंड में हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर का कपड़ा बचा था उसे लेना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है। और कोई भी आपकी बेबी का टॉप ले लीजिए और उसे उल्टा कीजिए और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे रख दीजिए और फिर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और देखिए, ये स्ट्रेचेबल टी शर्ट है तो हम इससे थोड़ा बड़ा कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा बड़ा कट करना है और मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक का कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंचेस पे हमें शोल्डर पे मार्क करना है और नीचे की ओर हमें 3 इंचेस पे। अब हम दोनों मार्क को मिला के राउंड नेक कर देंगे और फिर कट कर लेंगे। अब इसे हमें ओपन करना है और ऐसी 2 स्ट्रिप लेनी है। तो 33/3 इंचेस की ये स्ट्रिप है। इसको दोनों साइड से हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमारे शोल्डर है वहाँ पे ये स्ट्रिप को ऐसे रखना है और हमें प्लेटें लेते जाना है और स्टिच करना है। इस तरीके से हमें स्टिच करना है। देखिए, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब नीचे की ओर से हमें फोल्ड करना है दोनों पार्ट में। तो दोनों पार्ट में हमारा स्टिच हो गया है। अब हम नेक में उसी तरीके से ऐसे फोल्ड करके नेक को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमने उसी तरीके से नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर को जोड़ के स्टिच कर लेंगे। शोल्डर को हमने जोड़ लिया है। अब जैसे नेक में हमने किया वैसे ही आर्म होल में हम स्टिच करेंगे। अब हम दोनों साइड यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हमारा टॉप हो गया रेडी। और अब हम ये बची हुई स्ट्रिप है उसे लेना है 2.5/29 इंचेस की है। दोनों साइड हम ये स्ट्रिप को जैसे फोल्ड किया रेड कलर की, उसी तरीके से फोल्ड करना है।
और उसी तरीके से हमें प्लेटें लेनी है पहले। और देखिए आपके पास कोई भी ऐसी आपकी बेबी की हेयर बैंड तो हेयर पट्टी तो होगी, तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से लगाना है। आप फैब्रिक गम भी यूज़ कर सकती हैं, यहाँ पे मैंने फेविबॉन्ड यूज़ किया है। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप डायमंड चेन, मोती चेन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे रेड कलर के फूल बना के अटैच किए हैं, आप ऐसे भी लगा सकती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारी सी हमारी हेयर पट्टी रेडी हो गई। तो ये देखिए 1 मीटर कपड़े में से हमने 3 ब्यूटीफुल चीज़ें बना ली, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, बाय बाय।